भाई लोगों देखो, ये सीढ़ी नुमा पहाड़ को काट काट कर बना रहे हैं, और ये पूरा पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ था, अभी हाफ ही बचा है। बहुत तो काट चुके हैं, और देखो वहाँ पर एक पोकलैन खड़ा हुआ है, दिख रहा होगा शायद, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ से। और उसी के ऊपर बहुत रोड रास्ते बहुत बनाए हैं। एक बात मानो तो इतना बड़ा है कि एक सिटी उधर बस सकता है उस पहाड़ पे। बहुत बड़ा पहाड़ है ये, और उसको पूरे को ये लोग काट रहे हैं। उसके पत्थर का सीमेंट बनाते हैं, और इधर ही सीमेंट फैक्ट्री भी है। ये देखो, ये सीमेंट फैक्ट्री का चिमनी है, दो चिमनी उसके ऊपर है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है ये भी, देख सकते हो। और ये पाम बागान के बीच में है, ये पहाड़ भी और ये फैक्ट्री भी, देख सकते हो। और यहाँ का ये मौसम सुहाना और अच्छा, वेरी गुड व्यू। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, धुआं नहीं है, गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, और ऑक्सीजन 100% प्योर मिलता है, इसलिए ये कंट्री बहुत अच्छा है यार। ये देखो, यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ का मौसम, यहाँ के पहाड़, यहाँ का बढ़िया व्यू, बहुत अच्छा है सब कुछ। थोड़ा काम हार्ड है, ये पाम बागान वाला थोड़ा हार्ड है, बाकी सिटी में काम करेगा तो बहुत अच्छा है। और पानी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इंडिया के जैसा ही है। भाई लोगों देखो, अगर मलेशिया में कंस्ट्रक्शन का वीज़ा आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत पैसा भी है, काम भी अच्छा है। अगर आना चाहते हो मलेशिया के अंदर तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आओ, बहुत अच्छा है। इस लाइन में थोड़ा हार्ड काम है, पैसा भी इतना अच्छा नहीं है जितना कंस्ट्रक्शन में है, बाकी सब तुम देख ही सकते हो, सर्च करते हो तो हर तरीके से कोई ना कोई कुछ भी जानकारी देता ही है, सब कुछ अच्छा है। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब सबसे पहले।